राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के दौरान रामपुर के खंड विकास कार्यालय सभागार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बालिका लिंग अनुपात को बढ़ाने के बारे में जागरूक किया गया। अधिकारियों ने ये भी बताया कि नौनिहालों को आंगनवाड़ी केंद्रों में किस तरह से खुराक दी जाए, कैसे जच्चा बच्चा के पोषण का ध्यान रखा जाए। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी रामपुर अजय बद्रेल ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के अंतर्गत प्रथम दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा कल पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं स्कूल स्तर पर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत स्लोगन राइटिंग व पेंटिंग कंपटीशन रखा गया है। बालिका सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जो है आयोजन किए जा रहे हैं। आज इस आयोजन का पहला दिन है जिसमें हम एक कार्यशाला हमने रखी है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी इसमें हमने आमंत्रित किया है, ताकि क्योंकि ये भी समाज का एक अभिन्न अंग है और हमारा ये उद्देश्य है कि ये भी जो है वो जागरूक हों और समाज के अन्य लोगों को ये भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूक करें। राष्ट्रीय बालिका सप्ताह में कल अगले दिन जो है पंचायत स्तर पर जो है वो विभिन्न पर्यवेक्षक जो है वो जागरूकता शिविर लगाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत। और विभिन्न ग्राम सभाओं में जो हमारे फील्ड फंक्शनरी है वो भाग लेंगे और इसके महत्व के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दत्तनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम एक स्लोगन राइटिंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं इसी कार्यक्रम के तहत, और एक कार्यशाला हम आयोजित करेंगे जिसमें हमारी आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सब सम्मिलित होंगी और ये PC and PNDT एक्ट पर आधारित होगी। और ये हमारे कुछ कार्यक्रम जो हमने आयोजित करने हैं राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के दौरान, ये वो कार्यक्रम है।